नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। साहिबगंज में हेमंत सोरेन ने सिद्धू कानू को किया नमन। हुल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं राजधानी रांची में झामुमो कांग्रेस बीजेपी आयसू पार्टी समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नमन किया। रांची के सिद्धू कानू पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सांसद महुआ मांझी, जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हुल क्रांति जैसी एकजुटता आज भी प्रासंगिक है, आज भी देश को बचाने की जरूरत है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ रही है। झारखंड की धरती से हुआ आज़ादी के आगाज पर हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं सिद्धू कानू चांद व भैरव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार हुल क्रांति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में अगजनी मामले में नाबालिग डिटेन। राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में अगजनी मामले में पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग को डिटेन किया है। साथ ही पुलिस उसके पास से एक लाइटर और स्प्रिट से भरा एक स्प्रे भी बरामद किया। पुलिस इस नाबालिग से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें, बस स्टैंड में 9 बसों में अगजनी को लेकर लोग किसी की शरारती मान रहे थे। पुलिस भी इस पहलू पर जाँच पड़ताल कर रही थी। सीसीटीवी में एक किशोर को बस के आसपास मंडराते देखा गया था। उसके बाद से पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल तेज की और एक नाबालिग को डिटेन किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस नाबालिग के पास से लाइटर और स्पीड से भरा स्प्रे बरामद किया है। मौसम विभाग का भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान पदाधिकारी सह कार्यालय प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामतड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। इसके पहले 1 और 2 जुलाई को भी झारखंड में कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आपत सचिव ने सरजू राय पर लगाए आरोप। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के डोरंडा स्थित आवास पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंत्री बन्ना गुप्ता स्वयं मौजूद रहे थे। मंत्री के आपत सचिव ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक सरजू राय और डोरंडा थाना प्रभारी की मिलीभगत से दर्ज प्राथमिकी से अभियुक्त का नाम व्हाइटनर से हटा दिया गया है और किसी अन्य के नाम का जिक्र किया गया। श्री सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आपस सचिव ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विधायक के खिलाफ डोरंडा थाना में स्वास्थ्य विभाग के निजी दस्तावेज चुराने के आरोप में मामला दर्ज था। पीएम मोदी ने हुल दिवस पर क्रांतिकारियों को किया नमन। पीएम नरेंद्र मोदी ने हुल दिवस पर ट्वीट किया और कहा है कि हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं को शत शत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। झारखंड हुल दिवस पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता को याद कर रहा है और इन क्रांतिकारियों को नमन कर रहा है। हुल दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुल दिवस पर संथाल हुल के वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये दिन अन्याय के खिलाफ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस की याद दिलाता है।
बस स्टैंड में आग लगने के कारणों में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। रांची के खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में गुरुवार को 9 बसों में आगजनी मामले में जिला पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। FSL की 5 से टीम CCTV फुटेज समेत अन्य पहलुओं पर जाँच कर रही है। वहीं बसों में आगजनी के नमूनों को कब्जे में लिया है। बता दें कि गुरुवार की दोपहर 2 घंटे के अंतराल में 2 बार आगलगी की घटना हुई। आगलगी की चपेट में 9 बसें आई, इसमें 8 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं 1 बस में आंशिक नुकसान हुआ है। इस आगलगी के बाद लोग समेत पुलिस भी साजिश के तहत घटना को अंजाम देना बता रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी की वजह से झारखंड के निवेशकों को 4200 करोड़ का मुनाफा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों को काफ़ी मुनाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों 26 से लेकर 28 जून में ही रांची सहित पूरे झारखंड के निवेशकों को लगभग 4200 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बता दें 26 जून को झारखंड का मार्केट कैंप लगभग 3,04,500 करोड़ रुपये था, जो 28 जून को बढ़कर 3,08,700 करोड़ रुपये पहुँच गया। जबकि देश में इसी अवधि के दौरान मार्केट कैंप 290 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 294 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश में पिछले 3 दिनों में निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। झारखंड के 24 जिलों के लिए 1 जुलाई से 9 जुलाई तक होगी सेना भर्ती रैली। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार एवं झारखंड के तत्वाधान में झारखंड के 24 जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी। यह रैली राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक होगी। बता दें ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया है कि रैली से पहले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। झारखंड में इसके लिए धनबाद जमशेदपुर एवं रांची में सेंटर बनाए गए थे, जहाँ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दिया। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनका फिजिकल टेस्ट 1 जुलाई से होगा। झारखंड में करीब 2300 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पिछले साल कोविड के कारण 23 वर्ष तक के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में रियायत दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेन को रेलवे ने किया सम्मानित। रांची रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतकर वापस आने पर अंतर्राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंडल रेल प्रबंधक जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतकर वापस आने वाली भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के सदस्य रांची रेल मंडल के अंतर्राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेन को मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। सावन में पहाड़ी मंदिर में शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था समाप्त। सावन 4 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस बार सावन में पहाड़ी बाबा के शीघ्र दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। श्रद्धालुओं को पहाड़ी बाबा का दर्शन पूजा के लिए लाइन में लगना होगा। बता दें कि मंदिर में पहले बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर के लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की जाती थी, इसे समाप्त कर दिया गया है। मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेगा डीलर्स एसोसिएशन। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना को चला रहे 25,000 PDS डीलरों ने राज्य सरकार के अनदेखी से परेशान होकर मानसून सत्र में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी देते हुए फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकारनाथ झा ने कहा है कि PDS डीलर अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। ओमकारनाथ झा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर काम चला रही है। सरकार की अनदेखी के कारण डीलरों में गहरा असंतोष है। हजारीबाग में सिद्धू कानू का 12,000 वर्ग फीट में बना पोर्ट्रेट। हजारीबाग शहर के बीचों बीच संत कोलंबा कॉलेज स्टेडियम मैदान में पहली बार 12,000 वर्ग फीट में हुल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिद्धू कानू का पोर्ट्रेट बना। हुल दिवस पर गिरिडीह के युवा कलाकार सुमित गुंजन के नेतृत्व में 15 कलाकारों ने यह अतुलनीय कला को धरातल पर उतारा। बता दें 27 जून 2023 से सभी कलाकार दिन रात काम कर वेस्टेज ईंटों से पोर्ट्रेट को तैयार किया है। इस पोर्ट्रेट का लोकार्पण शहरवासियों ने शुक्रवार को पुष्प अर्पित कर किया। सिद्धू कान्हू की भूमि से हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं को दी सौगात। हुल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू की पवित्र भूमि साहेबगंज के भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
16,434.841 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वास्थ्य और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ के अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड सदैव से ही वीरों और शहीदों की धरती रही है। हमारे पुरखों और पूर्वजों ने एक तरफ शोषण और जुल्म के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, वहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर जैसे हजारों वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। पलामू में दहेज हत्या के दो अलग अलग मामलों में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति बारालोटा के गुड़ियाही निवासी रामजी राम को 10 साल की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी चैनपुर के शाहपुर निवासी तुलसी कुमार रवि द्वारा 25 मार्च 2021 को चैनपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। वहीं पाटन के करर खुर्द निवासी राकेश कुमार को पत्नी की हत्या मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सीएम हेमंत के दौरे के बीच सहायक अध्यापकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हुल दिवस के मौके पर भोगनाडीह दौर के बीच सहायक अध्यापकों ने बरहेट में प्रदर्शन किया। वादा पूरा करो हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक अब आ रहे हैं आपके द्वार कार्यक्रम के तहत संताल परगना के सहायक अध्यापक साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित सिंघाड़ा मैदान में जमा हुए। सहायक अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को उनका चुनावी वादा याद दिलाते हुए उसे जल्द पूरा करने की मांग की है। सरकार द्वारा अब तक वादों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं उठाने पर अध्यापकों ने नाराजगी भी जाहिर की। गौरतलब है कि हुल दिवस के मौके पर सहायक अध्यापकों ने मशाल जुलूस का कार्यक्रम भी तय किया है। वे अपनी मांगों की ओर सीएम का ध्यान खींचना चाहते हैं। झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिल सकता है पुरानी पेंशन का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर झारखंड वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालय से पुरानी पेंशन योजना के तहत व्यय भार की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके अलावा यह भी मांग की है कि विश्वविद्यालय में अब तक कुल कितने पदाधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है, साथ ही उनके वेतन से अंशदायी योजना अंतर्गत कटौती की गई है। निदेशालय के पत्र के आलोक में रांची विश्वविद्यालय को छोड़कर लगभग सभी विश्वविद्यालय ने व्यय भार व अन्य वांछित जानकारियां उपलब्ध करा दी है। इंजीनियरिंग में बढ़ा झारखंड की लड़कियों का रुझान। सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा की ओर से देश भर के 23 IIT, 32 NIT, 26 IIIT सहित अन्य 38 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की 57,152 सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बुधवार देर रात समाप्त हो गई। एडमिशन के लिए कुल 2,15,917 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 52,170 लड़कियाँ और 1,63,744 लड़के व 3 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इसमें से बिहार के 14,955 व झारखंड के 7,650 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। धन्यवाद।